So guys, जैसे आपने गाइकल देख लिया होगा यार कि FSR 3 मोड का जादू अपने Asus Curve F15 के ऊपर फाइनली चली गया भाई। मेरे पास स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स पड़ा था तो मैंने सोचा यार कि इसके अंदर FSR 3 का मोड डालते हैं, बिकॉज अभी मार्केट के अंदर यही चल रहा है भाई, सब लोग इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी बनाते हैं भाई। हमारे पास भी गेम पड़ा है और मोड डाउनलोड कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं Asus Curve F15 के ऊपर चलाकर इस मोड को, देखते हैं भाई कितना फर्क पड़ता है अपने गेम के अंदर। तो आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखना गाइस, आप ही का फायदा इसके अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको सेटिंग में चेक करवा दूं किस सेटिंग के ऊपर मैं वाला गेम यहाँ पे चला रहा हूँ। तो गेम इसको मैंने यहाँ पर रख रखा भाई क्वालिटी मोड के ऊपर, और जो अपने ग्राफिक है भाई वो है हाई सेटिंग के ऊपर। पहली बार मैं इस गेम को भाई हाई के ऊपर चलाने वाला हूँ, तो आइए इस गेम को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाई। तो गाइस अपना गेम यहाँ पर चालू हो चुका है भाई, और तुम देख सकते हो भाई कि 100+ FPS अपने को देखने को मिला है। गेलिस मैंने रखा भाई क्वालिटी के ऊपर, और जो अपने ग्राफिक सेटिंग है भाई वो है हाई सेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई बहुत ही मजा आने वाला है, चलाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके लेट्स गो भाई, पहली बार इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही भाई अपनों को अपने Asus Curve F15 के ऊपर, वो भी स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स के अंदर, जो कि मतलब काफी डिमांडिंग गेम है भाई, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गेम मैं कहूंगा भाई इसको, बहुत ज्यादा जीपीयू डिमांडिंग गेम है ये। और यहाँ पर तुम इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो भाई, FSR 3 का मोड अपनों ने लगा रखा है, और जो परफॉर्मेंस भाई देखने को मिलने, लिटरली भाई कसम से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है भाई। मैं ये वाली वीडियो पहले रिकॉर्ड करके बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार आपको एकदम रियल टाइम परफॉर्मेंस दिखा दें, तो मैंने सोचा इसको कैमरे से शूट करते हैं और फिर आपको बताते हैं भाई कि क्या सीन है क्या नहीं है पूरा। और यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग, तुम हाई सेटिंग के ऊपर मैं इस गेम को खेल रहा हूँ विदाउट लूजिंग एनी ग्राफिक क्वालिटी। यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई DLSS अपना लगा हुआ है, मैं नीचे यहाँ पर आ गया हूँ, तुम बस ग्राफिक क्वालिटी को नोटिस करो भाई, बहुत ही सही ग्राफिक क्वालिटी आ रही भाई इस गेम के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपना बना देती है भाई इस गेम को खेलने का। देख सकते हो तुम यहाँ पर, तुम्हें कुछ भी यहाँ पर ब्लर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई, बिकॉज ये DLSS है और DLSS भाई बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और जैसे कि मैंने बोला कि FSR 3 का मोड अपनों ने यहाँ पे लगा रखा है, तो भाई वापस चलते हैं। स्पाइडरमैन जमीन के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको आसमान के ऊपर ही रखते हैं और चलते हैं भाई बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर, और स्विंग करके आपको दिखाते हैं भाई। ठीक है, स्विंग करके दिखाते हैं आपको। और भाई मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाने वाला हूँ भाई, बहुत सारे गेम्स के अंदर मैं FSR 3 का मोड डालने वाला हूँ भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आप ही का फायदा उसके अंदर। अगर आपके पास ये वाला लैपटॉप है तो भाई आपको बहुत मजा आने वाला है। और जिनको इस मोड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे डालना है क्या चाहिए भाई, तो वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगा वहां पर क्या सीन है। या अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के तुम्हें दिखा दूंगा भाई कि कैसे इस मोड पर डालना है गेम के अंदर, ताकि तुम्हें उससे आइडिया लग जाए थोड़ा बहुत। बाय द वे गेम बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत ही सही लग रहा है गेम, जहाँ पे तुम देख सकते हो CPU का टेम्परेचर भी मेरा 90 के नीचे हैगा, एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो भाई कि अपना जो GPU का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम है। और तुम्हें पता है भाई ये गेम बहुत ही ज़्यादा GPU डिमांडिंग गेम है, 97-98% तक मेरा GPU यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और लगभग 12.5 GB रैम मेरी यहाँ पे यूज़ हो रही है इस गेम के अंदर, जो कि मतलब मैं कहूंगा भाई बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है भाई। आपको पता है भाई अपन न्यूयॉर्क के अंदर है, तो ऊपर चलते हैं भाई, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर के ऊपर चलते हैं और वहाँ से शहर का लुक लेंगे भाई। ये देख सकते हो, अब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे जाना है भाई, मिशन सेंट्रल पार्क जाना है ना मेरे को, आई थिंक इसका यही नाम है इस पार्क का, सेंट्रल पार्क। वहाँ पर अपनों को एक बंदा मिलने वाला है, झाड़ू के पास अगर जाओगे तो थोड़े से FPS कम होंगे, लेकिन एज सच कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। वहीं आप अगर FSR 2.1 के ऊपर इस गेम को चलाओगे ना भाई, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, गेम बिल्कुल भी निकाल के नहीं देगा भाई, जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पे देखने को मिल रही भाई। मैंने इस गेम को बहुत ट्राई किया पहले भी, लेकिन मुझे कभी भी इस गेम के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली जितनी कि मुझे आज देखने को मिल रही है भाई। तो लिटरली ये कसम से बहुत ही ऑसम मोड है भाई FSR 3, बहुत ही शानदार मोड है भाई, तुम उसको हर गेम के अंदर डाल सकते हो और तुम्हारा गेम भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई कटसिन के अंदर ग्राफिक वगैरह बहुत सही है, क्योंकि अपन इस गेम को हाई सेटिंग के ऊपर चला रहे हैं। एक बार तुम्हें फिर से मैं सेटिंग यहाँ पे चेक करवा देता हूँ गेम की, देख सकते हो। ओके अब एक काम करते हैं भाई, DLSS को अपने क्वालिटी के ऊपर कर रखा है ना भाई, तो अपन इसको एक बार परफॉर्मेंस के ऊपर करके देखते हैं क्या होता है। परफॉर्मेंस के ऊपर तो मे भी और अच्छे मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए और मजा आने वाला है भाई, बस देखते जाओ, तुम्हें काफी मजा आएगा भाई इस गेम के अंदर। मुझे कुछ चीजें यहाँ पे खुली है तो मैं उन्हें यहाँ पे ले लेता हूँ। के सूट, आई थिंक मुझे सूट मिले भाई, ब्लैक वाला ले लेते हैं भाई, ब्लैक वाला मस्त लगता है, क्योंकि ब्लैक वाला सूट मैंने यहाँ पे ले लिया भाई। और काफी दिन से लोग मुझे बोल रहे थे भाई कि यार कैमरे से शूट करके वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा आज कैमरे से शूट करके वीडियो बनाते हैं अपने पुराने वाले स्टाइल में। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वाला पसंद आएगा। ओके भाई आई थिंक ये काफी बिजी रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मतलब कारें देखने को मिल रही होंगी रोड के ऊपर। और अभी DLSS जो है भाई अपना परफॉर्मेंस के ऊपर है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। और चलते हैं भाई स्काई स्क्रैपर के ऊपर, लेट्स सी 100+ FPS यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। ओके
बहुत सही, बहुत बढ़िया यार। मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर मैं खेल रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर देख सकते हो गेम की जो शार्पनेस है यार, बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तुम यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे जरा सी भी शार्पनेस कम नहीं हुई है भाई गेम की। यहाँ पर तुम्हें गोस्ट किंग देखने को मिल रही थोड़ी बहुत, बिकॉज ये मोड डला हुआ है तो उस वजह से थोड़ी सी गोस्ट किंग यहाँ पे है, बट एस सच कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा है भाई। और अगर तुम ग्राफिक क्वालिटी को और कम कर लोगे भाई, तो तुम्हारा गेम 100+ FPS तुम्हें देने वाला है, डेफिनेटली देने वाला है भाई। अगर तुम इसे मीडियम के ऊपर खेलोगे ना भाई, तुम्हें 100+ FPS देखने को मिलने ही वाला है इस गेम के ऊपर। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें पे करके बता देता हूँ। ग्राफिक के अंदर अपन चलते हैं एंड इसको अपन कर लेते हैं मीडियम के ऊपर, ठीक है। मैंने इसको मीडियम के ऊपर कर दिया है। मीडियम के ऊपर मैंने जैसे बोला था भाई, तुम्हें 100+ FPS देखने को मिलेंगे इस गेम के अंदर जैसा मैंने बोला था ना भाई, वैसे हो रहा है सेम भाई। 100+ FPS इस गेम के अंदर भाई, मतलब इनसेन है भाई, बहुत ज्यादा इनसेन है, बहुत ही ज्यादा इनसेन है भाई। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने FPS मुझे अपने Asus Curve F15 के ऊपर देखने को मिलेंगे भाई। FSR3 के मोड ने भाई मेरे Asus Curve F15 की लाइफ को 5 साल तक इंक्रीज कर दिया भाई। मुझे नहीं लगता मुझे नया लैपटॉप लेने की जरूरत पड़ेगी या कुछ भी PC बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज FSR3 वाला मोड भाई सभी गेमों को इतना स्मूथ चला देता है। और भाई अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, बाद में तो और भी स्केबल हो जाएगा मोड ये, तब तो और भी मजा आने वाला है भाई। और अपना गेम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मिशन करते हैं भाई अपने, और देख सकते हो जरा सा भी तुम्हें ब्लर वगैरह कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला भाई, बिकॉज ये बहुत ही हाई क्वालिटी के ऊपर अपना गेम यहाँ पे चल रहा है। और भाई FSR3 का मोड सच में वर्क कर रहा है इस गेम के अंदर, डेफिनेटली कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है भाई। बस वो एक ही दिक्कत है गोस्टिंग वाली, वो भी फिक्स हो जाएगी, वो इतना कुछ इश्यू नहीं है। चलो चलो, और कौन है यहाँ पर? ट्रेनिंग करवा रहा है अभी तो यार, चलो ट्रेनिंग कर लेते हैं भाई। वैसे ये वाला गेम मेरे पास पहले से पड़ा था। और भाई ये जो गेम है ये जुगाड़ वाला गेम है, ये दिस इज़ नॉट ओरिजिनल वर्जन, मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता दूँ, तुम्हें ऐसा लगे कि ओरिजिनल वर्जन है, ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है भाई, ये जुगाड़ वाला वर्जन है। और ये गेम मेरे पास पहले से ही पड़ा था। चल बे निकल यहाँ से, तुम भी निकलो सालो रोबोट के बच्चों। और कहाँ गया भाई? बहुत सारे मूव्स है भाई इसके अंदर, एक से एक मूव है भाई इस गेम के अंदर भी। चलो बिल्कुल हट जाओ यहाँ से, वेनम पंच मारते हैं भाई हम, वेनम पंच हमारा बहुत ही खतरनाक है। हटे जाइए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही मूव करता है भाई अपना स्पाइडरमैन इसके अंदर तो। चलो निकलो यहाँ से। अबे तू गोली लेके आ गया, तू गन लेके आ गया यहाँ से तेरी तो। गन लेके आ गया साला, हम यहाँ पे हाथ से लड़ रहे हो, तू गन लेके आ गया भाई। और सीपीयू का टेम्परेचर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा भाई, बिकॉज ये जो गेम है भाई सीपीयू एंड जीपीयू दोनों डिमांडिंग गेम है भाई। तुम्हें पता है भाई कि डिमांडिंग गेम्स के अंदर क्या सीन होता है। बहुत बढ़िया, अरे ना ना स्पाइडरमैन को मारो के साल ना, तुम्हारी तो बताता हूँ, एक सेकंड बताता हूँ तुम्हें। और भाई आज तुम्हें ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं अपना बड़ा वाला माइक यूज नहीं कर रहा हूँ भाई, आज मैं अपना लैब माइक यूज कर रहा हूँ, वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देगा, पर फिर भी यार काम चला देगा अपना, आवाज तुम्हें आ जाएगी अच्छे से। चल भाई काफी दिनों के बाद भाई लैब माइक से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, वरना मैं फोन का माइक यूज करता हूँ या फिर मेरा ये वाला बड़ा वाला माइक यूज करता हूँ भाई, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो यार अपना बड़ा वाला माइक को यूज करते हैं भाई, तो क्वालिटी एक नंबर आती है। लेकिन अभी अपन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए मुझे OBS खोलना पड़ता है और वो मैं चाहता नहीं भाई। आपको एकदम रियल टाइम परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ इस गेम की, जो कि मैंने आई थिंक दिखा दी आपको और आपको अच्छी भी लगी होगी। और जैसे कि मैंने बोला था भाई, अगर आप इस मोड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो चाहते हैं भाई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं Danbox1 के ऊपर, कहाँ से मोड मुझे मिला है, कहाँ से इसको लेना है, मैं आपको वहाँ पे सब बता दूंगा, कैसे इसको इंस्टॉल करना है गेम के अंदर, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट यार, आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, हम आपके लिए यहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट बनाते हैं। और अगर आप और भी ऐसे अमेजिंग से वीडियोज देखना चाहते हैं भाई, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आपको एक से एक वीडियोज वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे इसी किसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।